खतरा था दियर डोमिनेंस उनके तसल्लुत के लिए इन द सोसाइटी मुआशरे में, क्योंकि ये अकीदा मुआशरे में उनके तसल्लुत के लिए खतरा था, सिंस चूंकि दिस बिलीफ ये अकीदा वास थ्रेटनिंग खतरा था दियर डोमिनेंस उनके तसल्लुत के लिए इन सोसाइटी मुआशरे में, क्योंकि ये अकीदा मुआशरे में उनके तसल्लुत के लिए खतरा था। अरब के बुत परस्तों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरों और आपके पैरों का दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सिंस चूंकि दिस बिलीफ या अकीदा वास थ्रेटनिंग खतरा था देयर डोमिनेंस उनके तसल्लुत के लिए इन द सोसाइटी मुआशरे में, क्योंकि ये अकीदा मुआशरे में उनके तसल्लुत के लिए खतरा था, द पैगन अरब्स स्टार्टिंग टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स, तो अरब के बुत परस्तों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। द पैगन अरब्स अरब के बुत परस्तों ने स्टार्टिंग शुरू कर दिया टू माउंट बढ़ाना प्रेशर ऑन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स आपके पैरोकार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अरब के बुत परस्तों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सिंस चूंकि दिस बिलीफ या अकीदा वास थ्रेटनिंग खतरा था देयर डोमिनेंस उनके तसल्लुत के लिए उनका सोसाइटी मुआशरे में, द पैगन अरब्स स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर, तो अरब के बुत परस्तों ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया ऑन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरों वो चाहते थे कि आप अपने मकसद से दस्त बर्दार हो जाएं। They sent a delegation to the Rasul sallallahu alaihi wasallam kind and caring. They sent उन्होंने भेजा a delegation एक वर्ष to the Rasul sallallahu alaihi wasallam kind Rasul sallallahu alaihi wasallam के मेहरबान and caring अंकल और ख्याल रखने वाले चचा अबू तालिब के पास। एक मौके पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा अबू तालिब के पास एक वक्त भेजा। On one occasion, they sent a delegation. उन्होंने एक वक्त भेजा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान है केयरिंग अंकल और ख्याल रखने वाले चचा अबू तालिब के पास। एक मौके पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा अबू तालिब के पास एक वफद भेजा। On one occasion, they sent a delegation to the Rasul sallallahu alaihi wasallam kind and caring uncle Abu Talib. एक मौके पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चाचा अबू तालिब के पास एक वक्त भेजा। They told him, उन्होंने आपसे कहा to restrain के बास रखें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को from preaching तबलीग से अल्लाह का दर मुतलक के पैगाम की तबलीग से। उन्होंने आपसे कहा
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कादर मुतलक के पैगाम की तबलीग से बाज रखें और फेस देयर एनिमिटी और फेस देयर एनिमिटी या उनकी दुश्मनी का सामना करें और फेस देयर एनिमिटी और या उनकी दुश्मनी का सामना करें और या फेस सामना करें देयर एनिमिटी उनकी दुश्मनी का या उनकी दुश्मनी का सामना करें. They told him to restrain the Rasul صلى الله عليه وسلم from preaching Allah Almighty's message. उन्होंने आपसे कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कादर मुतलक के पैगाम की तबलीग से बाज रखें और फेस देयर एनिमिटी या उनकी दुश्मनी का सामना करें या उनकी दुश्मनी का सामना करें. उन्होंने आपसे कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कादर मुतलक के पैगाम की तबलीग से बाज रखें. उन्होंने आपसे कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कादर मुतलक के पैगाम की तबलीग से बाज रखें और फेस देयर एनिमिटी या उनकी दुश्मनी का सामना करें. Finding himself in a dilemma. खुद को उलझन में देखते हुए, खुद को मुश्किल में देखते हुए, finding देखते हुए himself को in a dilemma, उलझन में, मुश्किल में, खुद को मुश्किल में देखते हुए, he sent for his nephew. आपने अपने भतीजे के लिए बुला भेजा. And explained to him the situation. और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया. And just explain वजाहत की तो भी उन्हें सिचुएशन सूरत हाल की और उन्हें सूरत हाल की वजाहत है कि फाइनिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा खुद को उलझन में देखते हुए कि सेंट फॉर हिज नेफ्यू आपने अपने भतीजे के लिए बुला भेजा. एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन और उन्हें सूरत हाल की वजाहत है कि और उन्हें सूरत हाल की वजाहत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पोंडेड विद दीस मेमोरेबल वर्ड्स. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया विद दीस इन मेमोरेबल यादगार वर्ड अल्फाज का. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यादगार अल्फाज में जवाब दिया. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यादगार अल्फाज में जवाब दिया. माय डियर अंकल मेरे प्यारे चाचा इफ दे पुट द सन इन माय राइट हैंड अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज रखते हैं इफ दे पुट अगर रख दें द सन सूरज इन माय राइट हैंड मेरे दाएं हाथ में एंड द मून और मेरे और चांद इन माय लेफ्ट हैंड मेरे बाएं हाथ में और मेरे बाएं हाथ में चांद रख दें. मेरे प्यारे चाचा अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें इवन देन तब भी आई शैल नॉट अबंडन मैं नहीं तर्क करूंगा नहीं छोड़ूंगा द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद. तब भी प्रोक्लेमेशन इशारत को ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह अल्लाह की वहदानियत तौहीद तौहीद की तब भी मैं अल्लाह की वहदानियत तौहीद के तबलीग से बाज नहीं आऊंगा को तर्क नहीं करूंगा. आई शैल नॉट अबंडन मैं तर्क नहीं करूंगा मैं छोड़ नहीं छोड़ूंगा द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद अल्लाह का अल्लाह की वहदानियत तौहीद की तबलीग से तब भी मैं अल्लाह की वहदानियत तौहीद की तबलीग से बाज नहीं आऊंगा. आई शैल सेटल द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ. आई शैल सेटल मैं कायम करूंगा द ट्रू फेथ सच्चे ईमान को अपॉन द जमीन पर मैं जमीन पर सच्चे ईमान को कायम करूंगा और पेरिश या खत्म हो जाऊंगा इन द अटेम्प्ट इस कोशिश में या इस कोशिश में खत्म हो जाऊंगा. आई शैल सेटल द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ मुझे जमीन पर आई शैल सेट अप मैं कायम करूंगा द ट्रू फेथ सच्चे ईमान को अपॉन द अर्थ जमीन पर मैं जमीन पर सच्चे ईमान को कायम करूंगा और पेरिश इन द अटेम्प्ट या इस कोशिश में हो खत्म हो जाऊंगा या इसी कोशिश में खत्म हो जाऊंगा. अपने भतीजे पुख्ता आजम एंड पुख्ता आजम के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुतासिर हुए विद हिज नेफ्यूज फर्म डिटरमिनेशन अपने भतीजे के पुख्ता आजम के साथ के अदम से दैट ही रिप्लाई उन्होंने जवाब दिया रसूल सल्लम अपने भतीजे के पुख्ता अजम से बहुत मुतासर हुए उन्होंने जवाब दिया सन ऑफ माई ब्रादर भतीजे गो टू द वे अपने रास्ते पर चलते रहो गो द वे अपने रास्ते पर चलते रहो
none will dare touch thee, कोई तुम्हें छूने की जरूरत नहीं करेगा। none will dare touch thee, कोई तुम्हें छूने की जरूरत नहीं करेगा, कोई तुम्हें छूने की जरूरत नहीं करेगा। I shall never forsake thee, मैं उन्हें कभी ऐसा करने नहीं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। I shall never, मैं कभी नहीं forsake thee, तुम्हें छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। I shall never forsake thee, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तो ये था हमारा आज का पहला ग्राफ, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ के तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।